तो कैसे हैं आप लोग? आज हम जाने वाले हैं कथीरिया भानपुरा के पास में। सबसे पहले हम भवानी मंडी से हमारे नवोदय के फ्रेंड्स को लेंगे, उसके बाद भानपुरा पहुंचेंगे। भानपुरा पहुंचने के बाद में गांधी सागर के रास्ते से चलते हुए हम पहुंचेंगे संग्राम घाटा, और यहीं से हमारा असली एडवेंचर शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम अब जाने वाले हैं जंगल के रास्ते से होते हुए कथीरिया वाटरफॉल, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। और वो वहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है, और अब हम यहाँ से ना ये रास्ता है, यहाँ से नीचे उतरेंगे। नीचे उतर के देखेंगे कितना पानी है, क्या है। ऊपर से तो कमी दिख रहा है, बारिश बहुत कम हुई है यार। इस बार तो क्या पता अकाल पड़ेगा यार, क्या होगा। इंद्र देवता बरस नहीं रहे हैं, पर अब यहाँ से हम नीचे उतर के देखेंगे। स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में। हम जाने वाले हैं कथीरिया, और ये जो प्लेस है ना, ये हमारे उमेश जी की फेवरेट प्लेस है। अच्छा, बहुत सारी बार जा चुके हैं वहाँ पे, और आज हमें भी लेके जा रहे हैं। हमारे साथ में है, ये पीछे देखिए खबरी, पीछे है श्याम जी हमारे, और उमेश का तो इंट्रोडक्शन कर ही दिया है ना। ये नवोदय का ग्रुप है, और वहाँ पे पहुँच के हम बताएंगे कितनी बेस्ट प्लेस है। उस प्लेस के बारे में कुछ बताना चाहोगे उमेश जी आप? उस प्लेस के मैं इतना ही कहूँगा, आप एक बार चल के देखिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। That's enough. आपको लगेगा बस यही जन्नत है। देखिए इतनी शानदार प्लेस है कि आपको लगेगा जन्नत है। तो भाई वीडियो में बने रहिए और देखिए कि वहाँ का नज़ारा क्या है। जो है ना यहाँ से, ये बस यहाँ से ऑफ रोडिंग होने वाली है इस वाले रास्ते से, जिसे संग्राम घाटा बोलते हैं, और यहीं से अंदर लेते हैं मोबाइल को, क्योंकि बाहर थोड़ा ऐसा ही माहौल है भाई। रास्ता देख सकते हो आप, कैसा रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ थोड़ा। हम कर चुके हैं जंगल में एंट्री, और यहाँ पे बकरियाँ चराते हुए एक बाद साहब मिले, इनसे हम थोड़ी जानकारी लेंगे भाई आगे कैसा रास्ता है। बाद साहब आगे रास्ता वस्तों कैसे हो के? मैं नहीं बताऊंगा। बढ़िया है, पहुंच जाएगी गाड़ी। गाड़ी ऐसी छोटी गाड़ी जा रही है, जा रही हो? जा रही है, जाके नहर वाट में गया थोड़ा दिन पहले जो। अरे इधर क्या जा? अटैक वटैक थोड़ी करता होगा पर अच्छा अचानक तो। आपने देखियो क्या? आपने देखियो? नहीं, आपने वहाँ खार पे तो कई दिक्कत बनी। खार पे भी देखियो, बांधो वो खार पे कई दिक्कत हुई हुआ हुए उसमें बकरियाँ हमारी। अच्छा, तो था का पास तो होगा गोपना सब। आप चल जाओ, राम की गाड़ी जा रहे खार पे। चलो ठीक है, चलो ठीक है भाई साहब। हो तो भाई साहब जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इनको कल ही नजर आया था, और बाकी ठीक है, उन्होंने कहा कि इस रास्ते पे नहीं मिलेगा आपको, हम वो तो हमारी बकरियों की वजह से हमारे पीछे आता है। तो हमारे पास तो बकरियां तो नहीं है, ये एक ही है भाई बकरा है। पीछे बैठा हुआ है। अब इसके लिए आ जाए तो आ जाए यार। एक बात है भाई साहब, ये तो अगर पानी से पड़ जाए तो फिर उनको बहुत करने में दिक्कत तो आवे यार। भाई रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, गाड़ी देखो हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और घना जंगल भी है। ये शेर तो घास फूस खाता है, ये इसके अनुसार नहीं खाता जो घास फूस खाता है, उसको मटन खाता है, इसलिए देखो तो खाएगा वो। देख लो शेर घास फूस खाता है, हमें नहीं खाएगा। एक खबरी कह रहा कि शेर थोड़ी खाता है उसको। ये देखो रास्ता, रास्ता खतरनाक है भाई। आप अगर लाइफ में रिस्क चाहते हैं तो आए यहाँ पे। अरे वहाँ पे गाड़ी में घूम कर निकल जाएगा। ये घने जंगल में हम पैदल पैदल चल रहे हैं, गाड़ी से बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे टाइगर का खतरा तो है बहुत ज्यादा। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। हो ठीक है, अच्छा देखो आप मेरे पीछे जंगल ही जंगल, पूरा जंगल है चारों तरफ, और रास्ता देखो आप, यही ऐसा रास्ता है। रास्ता खतरनाक है यार। तो आप जीवन में एडवेंचर चाहते हो, थोड़ी रिस्क लेना पसंद करते हो, तभी आपको है ना अच्छी साइट्स नजर आ सकती है। ठीक है, देखो ये कैसा रास्ता है, पीछे गांधीसागर रिजर्व फॉरेस्ट, इसमें है कथीरिया नामक एक प्लेस। तो हम जा रहे हैं भाई कथीरिया। वो कहाँ है रे खबरी? हमारा एक साथी पीछे रह गया है, वो किसी का शिकार ना हो जाए भाई। ये देखो चारों तरफ पीछे जंगल, चारों तरफ घना जंगल है, और पूरा आगे से किसी की आवाज भी आ रही है।
तो श्याम जी कैसा महसूस हो रहा है आपको घने जंगल में? अच्छा, नेचुरल में बहुत दिनों बाद आए हैं, है ना। देखो दोस्त लोगों के साथ घूमने के लिए भी बहुत दिन बाद मौका मिला। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं भाई घूमने फिरने के। बात तो सही है। और इसे डर लग रहा था जो फिर भाग के आया अचानक से पीछे से। वाह यार, ये देखो ये क्या है? कहाँ? हाँ तीतर उड़ रहे हैं भाई। इधर देखो कितना शानदार व्यू है यहाँ से, यहाँ पे और यहाँ पे हमें गाड़ी भी नजर आई है भाई। फाइनली हमें कुछ नजर आया है जिससे थोड़ा सा रिलीफ भी मिला है। वाह यार देखो यहाँ से अब सीन, ये है जंगल। इस बार बारिश थोड़ी कम हुई है, इस वजह से पानी थोड़ा कम नजर आएगा आपको, पर फिर भी मैं दिखाऊंगा कितना शानदार व्यू है यहाँ से। पानी बहुत कम है यार नदी में, देखो पानी ही नहीं गिरा इस बार तो। है, क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो देखो वो आदमी नहा रहा है वहां पे, ये देखो। पहाड़ी पर आ गए हैं और वो वहां पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम यहाँ से ना ये रास्ता है यहाँ से नीचे उतरेंगे। नीचे उतर के देखेंगे कितना पानी है क्या है। ऊपर से तो कभी दिख रहा है, बारिश बहुत कम हुई है यार इस बार तो, क्या पता अकाल पड़ेगा यार, क्या होगा। इंद्र देवता बरस नहीं रहे हैं, पर अब यहाँ से हम नीचे उतर के देखेंगे क्या होता है आगे। देखें ये देखिए ऐसा रास्ता है नीचे उतरने का, बहुत ही केयरफुली उतरना होगा आपको ध्यान रखते हुए। और यहाँ से देखिए क्या व्यू है यार, वाह यार। जब यहाँ से बारिश मतलब बारिश ज़्यादा हो जाती होगी और पानी ज़्यादा बहता होगा ना, तो यहाँ से जो व्यू आता होगा पानी के बहने का बहुत ही शानदार। देखो देख रहे हो ना ये केव्स, यहाँ पे आप खाना वगैरह बना सकते हो इनके नीचे। ये इनके नीचे आराम से जब अगर बारिश आ जाए तो यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक सकते हो, पर जब नहीं जब नदी आ जाए ज़्यादा। ये जो चट्टाने में इनको आप पास से दिखाऊंगा आपको, देखो यहाँ पे शेल्टर भी बने हुए हैं, तो जब बारिश वारिश ज़्यादा आ जाए पर उसी कंडीशन में जब नदी ज़्यादा ना हो तो उस कंडीशन में आप ये इन चट्टानों के अंदर छुप सकते हो। अब यहाँ पे पता नहीं क्या, यहाँ पे देखो खाना वगैरह भी बनाया होगा लोगों ने, मुझे ऐसा नहीं लगता। अंदर केव है यार बड़ी बड़ी, और कभी कभी यहाँ पे है ना टाइगर वगैरह है ना शेल्टर। देखो यहाँ पे वाह यार, इन नदी के बीचों बीच देखो कि गुफाएं बनी हुई है और ये देखो चट्टान है। बीचों बीच जंगल के बीचों बीच है। और यहाँ से जरूर है ना मेरे ख्याल से टाइगर या जंगली जानवर पानी पीने के लिए तो जरूर आते होंगे। अबे प्रशांत सर, तुम रिजर्व भी देख छोड़े हैं यार, टाइगर। कुलदीप भैया, अरे कुलदीप भैया एक बार हाय कर दो, हाय हेलो कर दो, हेलो। ये बहुत दूर है भाई, बहुत ही ज्यादा दूर है यहाँ। और ये भी सब हमारे नवोदय फ्रेंड है, तो यहाँ पे सब क्या एंजॉय करने आते हैं और लाइफ को वाकई में ना नेचर की गोद में ही एंजॉय किया जा सकता है। अच्छा, ये जो कीड़ा है ना बिल्कुल जंगली कीड़ा और सेम इसी के जैसा इसका पिक्चर बना हुआ है इसके शरीर के पीछे, जैसे इसने टैटू बनवाया हो। ये तीनों दोस्त यहाँ पे बैठ के खाना वाना बना रहे हैं, दाल बाटी खाएंगे हम आज, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके जाता हूँ भाई। ये हमारे पूर्वज है, हाँ ये देखो हमने यहाँ पे ना दाल बाटी बनाई है भाई। वाह, तो इस नेचर में इतने शांत प्लेस में जहाँ पे पानी की कलकल आ रही है और देखो ये झरने गिर रहे हैं, वहाँ पे हमने खाना बनाया है और ये हमारे पीछे साथी बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा, एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा आपको आगे क्या है। यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी सी गुफाएं हैं, अगर बारिश होने लग जाए तो यहाँ पे आप खाना वगैरह बना सकते हो, आराम से छुप सकते हो। और यहाँ पे हमारी बाड़ी है, बहुत ही शानदार प्लेस है यहाँ से देखो आप। और यहाँ पे देखो मछलियाँ भी है, कितनी सारी फिश है देखो।
तो ये देख सकते हो मेरे पीछे, ये नदी का सबसे गहरा स्थान है। बस केवल कमी थोड़ी सी है भाई, देखो पीछे वहाँ पे देखो कितना चट्टान है। जब अगर बारिश होती, अगर अच्छे से बारिश होती तो वहाँ से जो झरने गिरते ना वो इतने प्यारे लगते कि कितने बता नहीं सकता हूँ मैं आपको। ये देखो ये झरने गिरने का परफेक्ट स्थान है, पर बाकी है ना यहाँ पे झरने गिर नहीं रहे हैं क्योंकि बारिश इतनी हुई नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो भाई देखो मेरे पीछे कितना शानदार और शांति, बिल्कुल पीस। चले भाई, मेरे दोस्त बुला रहे हैं तो मैं चलता हूँ आगे। तो ये था सीन भाई मेरे पीछे, और शाम हो चुकी है, अब अंधेरा होने वाला है, तो हम बस आगे बढ़ रहे हैं, वापस उसी रास्ते से ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, चलिए शाम जी। ये हमारे सभी दोस्त है भाई। नमस्ते भैया, अच्छा ये क्या है कि कहाँ पहुँची मेरी बाँस वाला इसमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए। नौ दिन है, चारों ही नवोदय में थे हम तो। लाया हूँ भाई यार, हमें यार दोस्तों के दिलों की बात पहले से पहचान जाते हैं भाई, पीछे वजन लाद के लाया हूँ मैं। हाँ जरूर जरूर जरूर, ये हमारे साथी थे भाई, ये वापस जा रहे हैं और हम भी चलेंगे भाई। चाय भी तो नीचे ही है। इतना खराब है ये पेड़, हमारे गाड़ी के टच हो गए जा रहे हैं, और रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है यहाँ पे। आए केयरफुली आए भाई, आपकी गाड़ी इस रास्ते को झेलने लायक हो तभी आए, वरना आप यहीं पे फंस जाओगे। वो तो अच्छा हुआ कि बारिश हुई नहीं, अगर बारिश हो जाती तो वापस हमको एक दिन यहीं रुक के फिर अगले दिन सुबह जाना पड़ता। उमेश अपनी सारी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को आगे पीछे लेकर इस उबड़ खाबड़ रास्ते से हमें निजात दिला रहे हैं भाई। कथीरिया जो इतनी बेस्ट प्लेस है, आज बेस्ट लग नहीं पाई हमें क्योंकि बारिश इतनी हुई नहीं यार इस बार, पर बाकी फिर भी देखने लायक थी। तू सच बोलता है। तो भाई हम चलते जा रहे हैं आगे, रास्ता थोड़ा कठिन है। देखो आसपास देखो कितना घना जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और जंगल के बीच में चल रहे हैं हम। रास्ता लग भटक गया यार, किधर जाएं अभी? रास्ता शायद इधर ही होगा, इधर से चलना पड़ेगा। ये देखो ये रास्ता बना हुआ है, हाँ इधर से। वो जंगली प्याज है? जंगली प्याज। और वाह यार बहुत ही देखो जंगली प्याज मिला हमें। ये देखो ये कैसा होता है, इसको पूरा दिखाओ तो आप खोदने से पहले। देखो ये देखिए, वाह यार देखो खोदो इसको क्या निकलता है ना, तीखा तीखा पत्ता। ये ला इससे खोद देख, कीड़ा भी है देखो इसमें, कीड़ा भी है देखो बहुत छोटा। ये कौन सा कीड़ा है यार, ये काई का है यार। और देखो चारों तरफ घना जंगल है, उसमें हम इस जंगली प्याज को खोद रहे हैं, और ढूंढा भी श्याम जी ने ही है, और श्याम जी ही इसको खोद रहे हैं भाई। वाह यार निकल गया, कोई बात नहीं पर निकल तो गया। देखो ये प्याज, वाह यार श्याम जी की मेहनत रंग लाई और हमने प्याज निकाल दिया पूरा। ये देखो जंगली प्याज, खुशबू इसकी, इसकी जो खुशबू है ना वैसी नहीं है जैसी नेचुरल जो प्याज होता है घर पे। इसको खा के भी देखेंगे अभी हम। ये भाई जंगल, और जंगल में बारिश का जो माहौल बना है चारों तरफ, देखो क्या शानदार माहौल बना हुआ है। देखो जंगल में जाने से डर तो लगता है यार, और एकदम फ्रेश एयर है, फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर सारी। वाह यार यहाँ पे रास्ते भी बने हुए हैं, पता नहीं जंगली जानवरों के हैं इंसानों के हैं, समझ में नहीं आता। यहाँ पे नीचे घास भी है, हवा चल रही कितनी मस्तानी हवा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी मात्रा में है ना ये जंगली तुलसी, जहाँ देखो जहाँ। ये देखो मैं पास से दिखाता हूँ, अब ये देख सकते हो आप, देखो जंगली प्याज कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में है यहाँ पे। ये देखो
और ये काफी बड़े बड़े निकलेंगे और इनको खोदेंगे तो, पर इतना टाइम नहीं है, शाम हो चुकी है बिल्कुल, चारों तरफ जंगल है भाई। के साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।